एंड मैं आपको लिख के दे सकता हूं, 2 साल बाद यू विल बी अ वेरी वेरी गुड कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। सो बहुत कॉमन क्वेश्चन जो मुझे रिसेंटली बहुत सारे फर्स्ट ईयर से आ रहे हैं कि भैया कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कैसे शुरू करे, कितना करे, मतलब कौन सा लैंग्वेज आना चाहिए, कब शुरू करे, डीएसएल को पूरा सीख जाए, कितने कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करे, कॉन्टेस्ट से मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी कैसे लाए। काफी सारे क्वेश्चंस मेरे को मतलब अपने इंस्टाग्राम पे एंड टेलीग्राम पे लोग पूछते रहते हैं, एंड बहुत बहुत मतलब जेन्युइन क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि मैंने गाइड बना के रखा हुआ है, क्योंकि वो टेक यू फॉरवर्ड में इतने वीडियोज है कि वो ढक गया है। एंड ये चैनल ज्यादातर गाइड के लिए है, तो इस चैनल पे मैं ये वाला वीडियो वापस डालने वाला हूं, जहां मैं पूरा आपको बताऊं कि आपको क्या क्या पढ़ना है, किस किस सीक्वेंस में पढ़ना है, मैं पूरा बताऊंगा। मैं पहले भी एक वीडियो बना के रखा हूं, बस उसकी प्रोडक्शन क्वालिटी उतनी हाई नहीं थी, बट इसकी प्रोडक्शन क्वालिटी सिंस मेरा सेटअप बहुत बंप अप हो गया है तो काफी हाई होने वाली है, तो इसमें मैं उस वही बताने वाला हूं, बट मैं थोड़ा एडिशनल पॉइंट सबको देने वाला हूं। अभी पहला क्वेश्चन जो हर फर्स्ट ईयर के दिमाग में या फिर हर सेकंड ईयर के दिमाग में होता है, क्या हमें जावा से करना चाहिए सीपी, क्या हमें C++ से करना चाहिए, क्या हमें पाइथन से करना चाहिए। तो मैं पहले ये चीज को क्लैरिफाई कर देना चाहता हूं, लैंग्वेज मैटर नहीं करता इफ यू आर वांटिंग टू बी अ वेरी गुड कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामर। व्हाट मैटर्स इज, अगर आपको कोई भी एक लैंग्वेज का बहुत अच्छा सिंटैक्स आता है उतना ही जरूरत होता है। इफ यू आर गुड इन C++ इट्स एब्सोल्युटली ओके टू स्टार्ट विद, इफ यू आर गुड विद जावा इट इज ओके टू स्टार्ट विद, इफ यू आर गुड विद पाइथन इट्स ओके। बट हाँ, अगर आपने कोई लैंग्वेज अभी तक डिसाइड नहीं किया है, आई विल सजेस्ट यू टू स्टार्ट विथ C++, क्योंकि कोड फोर्सेस हो गया, ये सारे जो अच्छे साइट्स है मतलब जहां बहुत सारे कॉन्टेस्ट होते हैं वहां C++ में एग्जीक्यूशन टाइम बहुत फास्ट होती है, वेर एस जावा में TLE आपको मिल जाएगा, तो आपको बहुत ऑप्टिमाइजेशन जावा एंड पाइथन में करने पड़ेंगे, वेर एस C++ का ऑप्टिमाइजेशन उतना ज्यादा नहीं होता, टाइम लिमिट में आ जाता है, एंड आपको बहुत सारे सोल्यूशन भी जो एडिटोरियल्स आते हैं वो जनरली C++ में ही होते हैं। सो इफ यू हैवंट टेकन अप अ लैंग्वेज आई विल सजेस्ट C++, बट इफ यू आर ऑलरेडी डूइंग इन जावा इट्स एब्सोल्युटली ओके, यू कैन स्टिल कोड इन जावा। ठीक है, सो पहला लैंग्वेज का मैंने ये आपको क्लियर कर दिया। सेकंड चीज, हाउ टू स्टार्ट अप विद, शुड यू लर्न द एंटायर डीएसए बिफोर स्टार्टिंग टू पार्टिसिपेट इन कॉन्टेस्ट? नो, द आंसर टू दैट विल बी नो। व्हाट यू शुड डू इज यू शुड ओनली लर्न C++ STL और जावा कलेक्शंस, ओनली दैट मच इज रिक्वायर्ड। एंड अगर C++ STL आप पूरा देखना चाहते हो, आप मेरा और एक चैनल है कोडवर्स, जहां मैंने लाइव C++ पूरा पढ़ाया हुआ है वो देख सकते हो, या फिर मेरा टेकी फॉरवर्ड चैनल पे पूरा 45 मिनट का एक वीडियो है आप वो देख सकते हो, तो आपको पूरा C++ STL का नॉलेज हो जाएगा। ठीक है, जावा कलेक्शंस के लिए आप वैसे यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो एंड जावा का ये देख सकते हो। तो मेक श्योर करना है कि C++ STL एंड जावा कलेक्शन या फिर पाइथन का जो भी आपके फंक्शन है वो सब क्लैरिटी रहे। एक बार इन सब की क्लैरिटी है आपके पास, फिर आप कॉन्टेस्ट पे पार्टिसिपेट करना शुरू कर दो। आपको एरेज आना चाहिए, आपको स्ट्रिंग्स आना चाहिए, आपको फॉर लूप आना चाहिए, इतना अगर आपको आता है तो आप कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दो। कॉन्टेस्ट कैसे करना है मैं आपको बता दे रहा हूं, लर्निंग का प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा, बट उससे पहले सीपी में आपको एक्सेल करने के लिए एक चीज बहुत जरूरी है, दैट इज कॉन्टेस्ट। अगर आप फर्स्ट ईयर में शुरू कर रहे हो, अगर आप सेकंड में कर रहे हो, आपको थर्ड में कर रहे हो, फर्क नहीं पड़ता, एक चीज आपको करते रहना है। फर्स्ट ईयर से शुरू कर रहे हो तो फोर्थ ईयर तक हर कॉन्टेस्ट जो होता है, आपका एग्जाम हो, आपका कुछ भी हो, हर कॉन्टेस्ट आपको देना है, इरेस्पेक्टिव ऑफ आपका रेटिंग गिरे या उठे, फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए आपको रेटिंग का, कोई रेटिंग नहीं पूछने वाला जब तक वो उठेगा नहीं, तो आप तब तक करोगे नहीं वो उठेगा नहीं, एंड चीटिंग नहीं करना है, ये बहुत बड़ी चीज है। खुद से रेटिंग इंक्रीज करो, क्योंकि अगर किसी के हेल्प से कर लोगे तो बाद में दिक्कत होने वाला है, तो आपको हर कॉन्टेस्ट देना है। आप कॉन्टेस्ट कैसे दोगे, लेट्स से 3-5 सवाल आते हैं कॉन्टेस्ट में, ठीक है, आप एक ही कर पाते हो, तो मेक श्योर करना है कि कॉन्टेस्ट जैसे ही खत्म हो उसी रात सोने से पहले जो नेक्स्ट सवाल है, हाँ, लेट्स से आपने ए बनाया तो बी एंड सी होता है ना, अब बी एंड सी करके सो, ऐसा नहीं कि बी सी डी ही करके सोना है, उतना टफ आप कर नहीं पाओगे। जनरली ट्राई करो एक लैडर ऊपर या फिर दो लैडर ऊपर, मतलब एक सवाल हो रहा है तो सेकंड सवाल थर्ड सवाल ट्राई करो, जनरली सेकंड सवाल तो बनना ही चाहिए, थर्ड सवाल अगर बन गया तो बहुत अच्छा, नहीं बना तो भी वेल एंड फाइन। तो अगले जो 2-3 साल है आपको मेक श्योर करना कि हर कॉन्टेस्ट दू, कॉन्टेस्ट के बाद अपसॉल्व करूं, ठीक है, ये हो गया कॉन्टेस्ट पार्टिसिपेशन, ये हो गया प्रैक्टिस, हर कॉन्टेस्ट कोड फोर्सेस कोड शेफ कहीं भी हो रहा है मेक श्योर करो गो एंड गिव एवरी कॉन्टेस्ट, ठीक है। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको स्कॉलरशिप टेस्ट के बारे में बता देता हूँ। सो कोडिंग निंजास इज गोइंग टू कंडक्ट अ स्कॉलरशिप टेस्ट ऑन 25th
and 26th July at 8 PM. So if you miss out on 25th of July, you can definitely appear on 26th of July at the same time, that is 8 PM. Registration fees of scholarship is 99, and if you appear for this scholarship test, you can get up to, like, the maximum discount that you can get is up to 100%, right? And whatever discount you are going to get via this scholarship test can be applied over the early bird discount that is already available on their website. Now, a lot of people must be thinking, what is Coding Ninjas? So Coding Ninjas is basically an edtech platform which gives you courses related to data structure, algorithms, interview preparation, competitive programming, Android development, and a lot more. So till date, Coding Ninjas have taught over 50,000 plus students, and the course structure is amazingly well built. So agar aap acche se course ko follow karte ho, and inka jo TA support hai, wo itna acha hai, like 1:1 TA support hai, within 1 hour resolve kar dete hain doubts. Uske guidance ke saath, कोई भी कंपनी इजीली क्रैक कर सकते हो. कोर्सेस क्यों रिलायबल है, क्योंकि दीज आर मेड बाय एक्स फेसबुक, एक्स अमेज़न एम्प्लॉयज, पीपल हु हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम स्टैनफोर्ड, IIT दिल्ली, एंड इनकी जो रिव्यूज है गूगल पे दैट इज अराउंड 4.9, फेसबुक रिव्यूज भी 4.9 है. So if you're interested in getting any courses at Coding Ninjas, make sure you use the coupon code TAKEYFORWARD to get an exclusive 15% discount. So ये तो हो गया प्रैक्टिस, अब आते हैं लर्निंग पे. सो लर्निंग के लिए एक सेट ऑफ टॉपिक्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है? तो जितने भी टॉपिक्स आपको करने हैं सीक्वेंशियल फैशन पे, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे पूरा सीक्वेंशियल डाल दूंगा, ठीक है? जैसे आपको पहले पैटर्न प्रिंटिंग करना है, फिर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, फिर लीनियर सर्च, फिर बाइनरी सर्च, फिर हैशिंग, फिर नंबर थ्योरी, फिर आपका बबल शॉट हो गया, मर्ज शॉट हो गया, फिर रिकर्शन हो गया, फिर डिवाइड एंड कॉन्कर हो गया, फिर स्ट्रिंग एल्गोरिथम हो गया, फिर ट्रीज हो गया, फिर ग्राफ्स हो गया. सारे जो हेडिंग्स है मैं सारे नीचे, एंड सब टॉपिक्स क्या क्या एल्गोरिथम्स करने हैं सब नीचे डाल दूंगा, विद ब्रैकेट पे ये भी लिख दूंगा कि कहां कहां से पढ़ने हैं, ठीक है? सारे में नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. तो ऐसे तो आपको लर्निंग करना है. अब लर्निंग का भी एक प्रोसीडियर होता है. लर्निंग आप कैसे करोगे? देखो, फॉर एन एग्जाम्पल, आपने बाइनरी सर्च लिया, ठीक है? तो बाइनरी सर्च आप सीखो पहले कोई भी वीडियो से, फिर हो सकता है मेरा बाइनरी सर्च का पूरा प्लेलिस्ट टेक यू फॉरवर्ड पे देख लो, तो आपको बहुत सारे सेट ऑफ प्रॉब्लम्स मिल गए. उसके बाद आपको क्या करना है, कोड फोर्सेस पे जाना है, या फिर आप गूगल में जनरली ऐसे टाइप कर सकते हो, बाइनरी सर्च प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स कोड फोर्सेस. गूगल में आप ये टाइप करोगे तो आपको ब्लॉग्स मिल जाएंगे, उस ब्लॉग में जाकर आपको प्रॉब्लम सेट मिल जाएगा, तो वो सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व करने हैं. कितना करना है क्वेश्चन ये है. ट्राई करो 10-15 सवाल करने का. एंड अगर आपको डेडिकेटेड बाइनरी सर्च के प्रॉब्लम्स चाहिए तो आप मेरा सीपी शीट भी फॉलो कर सकते हो, मैंने उधर डेडिकेटेड हर एक एल्गो का प्रॉब्लम्स देके रखा हुआ है. तो आपको मेक श्योर करना है कि आप 10-15-20 सवाल एक पर्टिकुलर एल्गोरिथम पे एज अ लर्निंग करो, ठीक है? ये आपको टॉपिक वाइज जाना है. बहुत लोग ये करते हैं कि बाइनरी सर्च सीखा फिर डायनामिक प्रोग्रामिंग, नहीं, जो सीक्वेंस मैंने नीचे दिया हुआ है वही सीक्वेंस आपको फॉलो करना है. सो नेक्स्ट 2 साल तक आप उस सीक्वेंस को फॉलो करो, 10-15-20 सवाल हर टॉपिक पे करते जाओ, एंड हर कॉन्टेस्ट देना यार, मतलब ये तो एकदम स्टैम्प है, हर कॉन्टेस्ट देना है. एंड मैं आपको लिख के दे सकता हूं, 2 साल बाद यू विल बी अ वेरी वेरी गुड कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर ऑन योर एंड. So, मैंने अभी तक आपको क्या बताया, कौन सा लैंग्वेज करना है, लर्निंग कहां से करनी है, टॉपिक्स क्या क्या होंगे, सारे डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएंगे. अभी आते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे है, जो कि कंपिटेटिव प्रोग्रामर्स को करना ही चाहिए. अभी कोई भी टॉपिक जब सीख रहे हो तो गिटहब पे अपना कोड का रेपो बना लो. लेट्स से सेगमेंट्री सीख रहे हो, ठीक है, उसका कोड इतना बड़ा होता है. लेट्स से बाइनरी लिफ्टिंग सीख रहे हो, उसका कोड भी इतना बड़ा होता है, ठीक है? सारा कोड का जो टेस्टेड कोड है, टेस्टेड कोड का मतलब क्या है, प्रैक्टिस कर रहे हो तो सबमिट करोगे ना, तो वहां जो कोड आप यूज कर रहे हो उसका जो फॉर्मेट है या फिर जो भी टेम्पलेट है उसको आप अपने गिटहब रेपो पे रख लो. क्यों बता रहा हूं, कॉन्टेस्ट कल दे रहे हो, ठीक है, हो सकता है उधर सेगमेंट्री लग जाए, हो सकता है उधर कोई एक तो बाइनरी लिफ्टिंग लग जाए, हो सकता है कोई एक तो ऐसा एल्गोरिथम लग जाए जिसका कोड बहुत लंबा है. तो क्या आप कंपिटेटिव प्रोग्रामिंग में इतना बड़ा कोड लिखते फिरोगे? नहीं. आपको क्या करना है कि आपके रेपो में जाना है, आपको कोड कॉपी करना है, कॉन्टेस्ट पे पेस्ट कर देना है, सो दैट आप रीयूज कर पाओ. सो मेक श्योर करो थ्रू आउट द ईयर जो भी लर्न कर रहे हो मेंटेन योर गिटहब रेपो. किसी का भी कॉपी करने का जरूरत नहीं है, बहुत टफ होता है टू ट्रैक. मेंटेन योर ओन रेपो जिधर से आप खुद से कॉपी कर सकते हो, एंड जो भी गिटहब रेपो पे रखो टेस्ट करके रखना डिफरेंट प्रॉब्लम्स, सो दैट यू हैव ऑलरेडी टेस्टेड इट, राइट? सो मेक श्योर यू डू दिस. कमिंग टू द लास्ट थिंग बिफोर एंडिंग दिस वीडियो, क्या कंपिटेटिव प्रोग्रामिंग अकेले हो सकता है? नहीं, कंपिटेटिव प्रोग्रामिंग कभी भी अकेले नहीं हो सकता है. You need to form a group, ठीक है? So एक चीज सजेस्ट कर देता हूँ, which I applied on myself. सीपी शुरू कर रहे हो ना, तो शुरू करने से पहले एक चीज मेक श्योर कर लो. अगर तुमको लगता है तुम पीपल लेवल के हो, ठीक है, तुम्हारे कॉलेज में तुमको पता होगा तुम्हारे किसके साथ बनता है या फिर कौन बंदा टैलेंटेड है. अगर तुम टैलेंटेड हो तुमको पता है दूसरा कौन बंदा टैलेंटेड है या फिर तुम्हारे इक्वल लेवल का है,
सो उनके साथ ग्रुप्स बनाओ, मतलब ऐसे लोगों के साथ ग्रुप्स मत बनाओ जो कि बहुत आलसी है, मतलब इनके साथ नहीं बनाना है, जिनमें तुमको लगता है कि हाँ ये बंदा भी मेरे साथ मेहनत कर सकता है। मेक अ वेरी स्मॉल ग्रुप, डोंट मेक इट अ 10 पीपल ग्रुप, ट्राई टू मेक इट अ 3 to 6 पीपल ग्रुप, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। 3 to 6 पीपल का ग्रुप बना लो व्हाट्सएप पे, ठीक है। ये नहीं कि कॉन्टेस्ट में सोल्यूशन शेयर करना है, कॉन्टेस्ट जैसे ही खत्म होता है ना आपस में डिस्कस करो कि तूने कैसे सॉल्व किया, भले ही तुमसे एक सवाल बन चुका है बट तब भी उसका अप्रोच जानो, इससे ना दिमाग बहुत खुलता है, ठीक है। और एक चीज बता रहा हूं, ट्राई करो अभी से फ्रेंड्स बना के रखने का। ऐसा नहीं कि अभी आप मतलब बहुत कम रेटिंग है आप जाके कोई बंदा जो कैंडिडेट मास्टर है उसको फ्रेंड बनाओ, कभी नहीं बनते। अभी से अपने लेवल के फ्रेंड्स बनाओ, 2 साल खुद से इक्विवेलेंट मेहनत करो, 2 साल बाद देखोगे खुद भी अगर अच्छे लेवल पे हो वो भी अच्छे लेवल पे होंगे, तो तुम्हारा जो फ्रेंड सर्कल है ना वो बहुत अच्छा ऑटोमेटिक बन जाएगा। सो आई होप आपको पूरा गाइड समझ में आ गया है। अगर आप वीडियो यहां तक देख रहे हो तो एक लाइक कर देना, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, उधर बहुत ही अच्छा कंटेंट मैं डालता रहता हूँ। इसी के साथ इस वीडियो को रैप अप करते हैं, बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम।